Hi, welcome to my channel. It's been solve current question number 6. Subtract the sum of 2x minus x square plus 5 and minus 4x plus 3 plus 7x square from 5. In dono ko sum karke aur 5 mein se separate karna hai. So we will write like this. Okay, to humne yahan par likha hai 5 minus this much and this much. To yahi ab wo karna bhi hai yahan par question mein. 5 mein se separate karna hai in dono ka sum. To in dono ko bade bracket mein likh diye. और इसको सेपरेट कर दिए 5 में से. ओके, जैसा क्वेश्चन कहता है ठीक वैसे ही करना चाहिए हमें. तो अब यहाँ पर बड़े ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद से माइनस 5 में से माइनस करेंगे. यहाँ पर तो ओपन, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो ये स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं. ओके, यहाँ पर देखिए प्लस साइन है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका माइनस 4x. अब यहाँ माइनस से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और ये ओपन जो बड़ा वाला ब्रैकेट है उसको ओपन कर लेंगे. माइनस और प्लस 2x, एक्चुअली माइनस 2x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ ध्यान से देखेंगे आप तो 5 और माइनस 5 यहाँ पर अपोजिट साइन में है तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं. और जो बचे हुए जो भी एक्सप्रेशन जो भी टर्म्स हैं उनको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर है और माइनस 7x स्क्वायर है. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको माइनस 6x स्क्वायर, क्योंकि प्लस है और ये माइनस है. देयरफॉर वी विल सब्ट्रैक्ट. यहाँ देखिए 4x है आपका और माइनस 2x, तो इन दोनों सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको प्लस 2x. और कांस्टेंट में कुछ नहीं बचा है, केवल 3 बचा है. सो वी विल राइट 3 प्लस 3. तो हमारा जो आंसर आएगा वो यही आएगा. आपको समझ में आ चुका हो कैसे करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.